एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं जा रही हूँ किन्नौर की तरफ और आज मैं निकल गई हूँ रामपुर से और अभी हम जा रहे हैं कल्पा की तरफ। सुबह माउंटेन्स में अलग अलग जगह पे गई हूँ बट यहाँ के पहाड़ काफी डिफरेंट हैं और यही एक्सपीरियंस करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। ले चलती मैं आपको अपने सफर में अपने साथ। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल्सो लाइक भी कर दे इस वीडियो को एंड बेल बटन प्रेस कर दे जो सब्सक्राइब बटन के साथ में है, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, पद्म पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल गई रामपुर से किन्नौर के लिए। तो रामपुर से निकलते ही रास्ता काफी अच्छा है, चौड़ा है, रोड की कंडीशन भी काफी अच्छी है। थोड़ी सी आगे जाके आपको अच्छे से बैरिकेडिंग की हुई डिवाइडर वाली रोड मिलती है जो कि बहुत ही स्मूथ है। तो काफ़ी आगे तक आपको ऐसी ही रोड मिलती है और साथ में आसपास बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे। बेशक मंजिल के अलावा आप ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। रामपुर से किन्नौर की ओर जाते हुए हमें छोटे छोटे गांव में से होकर गुजरना पड़ता है और रास्ता कहीं कहीं बीच में थोड़ा पतला आ जाता है और थोड़ा सा खराब। जो मैक्सिमम रोड है वो आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में और खुली रोड मिलेगी। तो यहां से सराहन रह गया है सिर्फ 17 किलोमीटर और हम अभी गुजर रहे हैं जियोरी विलेज से। यहाँ भी थोड़ी बहुत स्टे की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपना पिट स्टॉप रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप सराहन में या फिर जहाँ मैं रुकी थी रामपुर में वहाँ भी रुक सकते हैं। तो गाइज वीडियो थोड़ी लंबी है पर आप ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि गाइज मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको अच्छे से रोड की कंडीशन दिखा सकूं और कहां कहां पर कौन सी जगह पर आपको कैसी रोड मिलेगी वो सब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाना चाहती थी, तो इसीलिए थोड़ी लंबी हो गई है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा। तो मैं रुकी हूँ यहाँ रास्ते में और पीछे व्यू इतना सुंदर है, नीचे खाई देखो कितनी गहरी खाई है, नहीं ज़्यादा गहरी खाई है और यहाँ पत्थर वगैरह गिर सकते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ूंगी, बस 2 मिनट ये व्यू देखूं और एक आधी पिक्चर क्लिक कर लूं। बट व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का ट्रैफिक जैम, चलो भाग भाग भाग। तो फाइनली एंटर कर गए हम किन्नौर में और हम गुजरे हैं अभी किन्नौर गेट से। तो किन्नौर में एंटर कर गए हैं हम, अभी अभी किन्नौर का गेट गया है और नज़ारे तो वैसे पहले से ही इतने सुंदर सुंदर थे बाहर, और अभी थोड़ा मौसम में चेंज आ रहा है। किन्नौरी पहाड़ों को देखने के लिए ही मैं स्पेशली यहाँ आई हूँ, क्योंकि ये सारे पहाड़ों से डिफरेंट है, थोड़े खड़े खड़े सी चट्टाने होती हैं यहाँ पर। तो लोगों के वीडियोस देख देख के अच्छा लगता था कि हाँ मैं भी कभी देखने आऊँ, तो फाइनली मैं आ गई हूँ देखने। तो यहाँ थोड़ा रास्ता छोटा हो गया है, पीछे थोड़ा अच्छा था डिवाइडर वाली रोड थी, बट यहाँ देखो ये छोटा रास्ता है और आगे से अगर कुछ आएगा तो आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी या पीछे करनी पड़ेगी। सो काफ़ी आगे तक रास्ता ऐसा ही है, पर आप देख सकते हो कि पहाड़ों का जो व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये रॉकी माउंटेन्स आ गई हैं जिसको देखने के लिए ही मैं इतनी दूर से किन्नौर आई थी, और ये व्यू मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं ये व्यू आज देख पाई हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड हुई थी और ये कितने ज़्यादा मोटे मोटे पत्थर गिरे हुए हैं, तो यहाँ गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलाइएगा। तो ये पहुँच गए हम नेचुरल वाटरफॉल पे,
यहाँ हमने फ्री में किया अपने कार का कार वॉश, पर जो फ्लो है ना वो बहुत तेज है। देखो वो ये है, वो नेचुरल वाटरफॉल, इतना ज़्यादा तेज़, मतलब लगता नहीं है कि कितना तेज़ बहाव है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ है। डर लग रहा था एक मिनट के लिए तो, बट गाड़ी अच्छी से साफ़ हो गई, अच्छा वॉश मिल गया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। ये सारा पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, एड्रेस वगैरह। ये देखो भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मजा आ गया। और आगे के पहाड़ देखो, बिल्कुल ही लुक चेंज हो गई है पहाड़ों की। ये बिल्कुल ही छोटी रोड है तो हमने अच्छी बात है साइड पे खड़ा ली है, यहाँ से तभी बस निकल पाई, अदरवाइज तो मैं पीछे जाना पड़ता। तो अभी आगे आकर मैं आई हूँ तरंडा माता मंदिर, क्योंकि यहाँ से आगे जितने भी लोग जाते हैं तो वो यहाँ से दर्शन करके जाते हैं, सो दैट्स वाई मैंने जो भी सुना तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर दर्शन करूँगी। तो अभी चलते हैं अंदर। दर्शन कर लिए हैं मैंने और अभी हम चलते हैं आगे माता रानी के आशीर्वाद के साथ। इस पूरे रास्ते में हवा इतनी तेज चल रही थी कि क्या बताऊं। और ये आप देख सकते हो कि पहाड़ एकदम बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू। देख सकते हो आपकी रास्ता जितना खूबसूरत है उतना छोटा भी है, पर यहाँ ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। आगे आकर आपको इस तरह की खुली रोड मिलने स्टार्ट हो जाएगी जब आप मेन करचम के पास पहुंचने वाले होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीआरओ ने कितनी अच्छी रोड बनाई है, कितनी वाइड रोड है और बिल्कुल मक्खन की तरह है। आपको काफ़ी आगे तक ऐसी ही रोड मिलने वाली है, करचम से भी आगे ऐसी ही रोड है। कल्पा का रास्ता, तो आप देख सकते हो करचम से आगे आकर भी रास्ता कितना अच्छा है। एंड आई कांट बिलीव कि मुझे इतनी ऊपर आकर भी इतनी अच्छी रोड मिल गई। नदी है हमारे साथ साथ जा रही है। फिलहाल बस कुछ ही किलोमीटर रह गया है रिकांगपियो और अभी मुझे लगी है भूख, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, तो पहले कुछ खाते हैं फिर आगे जाऊंगी मैं। और यहाँ के पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है, मीन लुक एट दिस। जाने तो वाली थी मैं कल्पा, पर कल्पा का जहाँ पर
वो बोर्ड लगा होता है जहाँ से ऊपर की ओर चले जाते हैं कल्पा और रिकोंगपियो की तरफ, और जो नीचे की तरफ रास्ता जाता है वो जाता है पो और स्पीति वैली की तरफ। तो प्लान बन गया है कि अभी मैं कल्पा की जगह जाऊंगी स्पीति वैली, और अभी मैं उसी रास्ते पर जा रही हूँ। तो यहाँ से पहले पो से होते हुए जाएंगे हम स्पीति वैली की ओर, और शायद आज नाको में स्टॉप लेंगे क्योंकि टाबो तो दूर पड़ जाएगा, बट स्पीति है यहाँ से 250 किलोमीटर। फिलहाल तो रास्ता काफी अच्छा है, बीआर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, रोड इतनी मस्त मक्खन जैसी है। तो जैसे जैसे रोड जहाँ तक अच्छी होगी मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूंगी। और ठीक है, अभी चलेंगे स्पीति वैली में। अपनी लाइफ में कभी स्पीति नहीं गई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार स्पीति जा रही हूँ। तो स्पीति जाने का रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं बयां भी नहीं कर सकती। आप देख सकते हो कि ये रास्ता इतने खूबसूरत पहाड़ और ऐसे ब्रिजेस से होकर जाता है, और मैं बहुत खुश थी यहाँ पर आके। मुझे मंजिल का नहीं था कि वो जगह कैसी है, कितनी खूबसूरत है, पर ये रास्ते ही मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना कि मैंने एक बार भी अपनी मंजिल के बारे में नहीं सोचा जहाँ मैं आगे जाने वाली थी। तो इस तरह के आपको ब्यूटीफुल रास्ते मिलने वाले हैं स्पीति की ओर जब आप जाएंगे तो। सो, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मेरी वीडियो आगे तक देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ कैसा रास्ता है स्पीति की ओर जब आप किन्नौर की तरफ से जाते हैं तो। सो डेफिनेटली प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, और साथ ही आप व्यू तो एंजॉय करेंगे ही क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जाते हुए कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखे थे। तो आप भी वर्चुअली ज़रूर इसे एंजॉय करोगे मेरे साथ। ये क्या हुआ, लगता है यहाँ पर कोई पत्थर पुत्थर गिरा। शायद 1 किलोमीटर रह गया है, और यहाँ तक रास्ता बिल्कुल साफ है, और थोड़ी सी जो जब वो 15 किलोमीटर रह जाता है तो वो रोड तो अभी अभी मुझे लगता है अभी शायद 2 दिन ही हुए हैं बनी है, बिल्कुल ताजी ताजी सी रोड है। ये देखो, ये बिल्कुल नई मस्त मक्खन रोड बनी हुई है, ये पिछले 15 किलोमीटर से ऐसी आ रही है। सभी 60 किलोमीटर आ गए हैं हम, और ये आ गया है पो विलेज। तो कल मैं रामपुर रुकी थी, और रामपुर से अभी तक मैं स्पीति वैली की ओर जब आई हूँ तो मैं 143 किलोमीटर आ चुकी हूँ। देखो आज 143 किलोमीटर गए हैं, एवरेज देखो अच्छी निकली है ना 16 की। और व्यू देखो, हर मोड़ पे आपको इतने सुंदर व्यूज मिलेंगे, और पो आ गया। शायद यहाँ पर चाय पानी पी लूँ मैं क्योंकि देखो 4:43 हो गए हैं और फोन के नेटवर्क 0 है, यहाँ पर नहीं आ रहे, जियो के नेटवर्क यूज करते हैं हम। और बहुत खूबसूरत विलेज है पो, बहुत नाम सुना था कि पो से होते हुए सभी जाते हैं स्पीति वैली की तरफ, और आज मैं पहली बार जा रही हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सो आप इजीली आ सकते हो, अगर आप किन्नौर की तरफ से आ रहे हो आपको बहुत मस्त रास्ता मिलने वाला है। मनाली की तरफ से रास्ता मैंने सुना है खराब है, तो आप इसी तरफ से जाओ आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। तो अभी ब्रिज से होते हुए पो विलेज एंटर कर रहे हैं मेन। सो मैं हूँ कैफे 1082 के बाहर,
और यहाँ से पीते हैं चाय, क्योंकि आगे नामो निशान नहीं लग रहा फिलहाल दूर दूर तक किसी भी ढाबे का। तो चलते हैं, शाम की चाय पीते हैं। तो अभी चाय पीने के बाद मैं निकल रही हूँ यहाँ से आगे, क्योंकि नाको पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक 5 तो बज ही चुके हैं, और यहाँ से फिर 1 घंटा मुझे और लग जाएगा। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, और ये जो कैफ़े था 1082 में, फिर से नाम भूल गई, तो ये आर्मी वालों की तरफ से चलाया जाता है, मैंने उनसे खुद पूछा, एंड बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं। 10 रुपये की चाय, 10 रुपये का समोसा, समोसा भी डिसेंट था, अच्छा था, और बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग, काफ़ी अच्छे हैं। तो आप जा रहे हैं स्पीति की ओर तो यहाँ ज़रूर रुकें, बहुत रीजनेबल रेट्स और साथ ही स्वीट पीपल। तो अभी खाब यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, और रास्ता बहुत ज्यादा अभी भी मस्त है। मैंने वहां पर जहाँ चाय पी थी उनसे पूछा था कि आगे रोड कैसी है, उन्होंने बोला था कि स्पीति तक ऐसी अच्छी रोड है, और जो नाको आएगा वहां से थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो आगे थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज आपको ऐसा मक्खन जैसा रास्ता मिलेगा, मतलब गाड़ी मस्त चलेगी बिल्कुल, और व्यूज तो मतलब एक से बढ़ के एक, आपने कभी जिंदगी में ऐसे व्यूज देखे नहीं होंगे अगर आप पहले स्पीति नहीं आए हैं तो। नीचे देखो रिवर फ्लो कर रही है साथ साथ, आसपास बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे रॉकी माउंटेन्स, और सामने देखो ऐसे धूप वाले माउंटेन्स, और प्यारा सा रास्ता। तो गाइस मैं आ गई हूँ खाब में, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही हो, पर यहाँ होता है संगम 2 नदियों का, एक है सतलुज नदी और एक है स्पीति रिवर, तो दोनों का संगम होता है यहाँ पर। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, मैं ऐसी अभी उसी ब्रिज से होके गुजर रही हूँ, और हवा इतनी तेज चल रही है, ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है, एक वहाँ से आ रही है और एक यहाँ से, यही है खाब जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, स्पीति नदी और सतलुज नदी। यहाँ से होकर देखो दोनों नदियाँ जा रही हैं और ये आगे मिल रही हैं, इतना खूबसूरत नजारा है पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से, इतनी ठंडी लग रही है। तो अभी ख्वाब से निकल कर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से देखो आगे रोड कितनी अच्छे से कट की हुई है, और पहाड़ ऊपर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आगे इसी तरह के खूबसूरत व्यू मिलने वाले हैं आपको, देखो साथ साथ नदी जा रही है, और ये देखो कितना सुंदर, एंड अभी भी देखो रोड कितनी अच्छी है, दूर तक दिख रही है ऐसे रोड बिल्कुल परफेक्ट, और ये सामने नदी, मजा आ गया। इस तरह के कोल्ड डेजर्टेड माउंटेन्स मैं लाइफ में अपने पहली बार देख रही थी, एंड ये जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे रास्ता और सुंदर होता जा रहा था, व्यूज और ऑसम होते जा रहे थे।
स्पीड है, आपने भी पीछे साइन बोर्ड देखा होगा 55 की स्पीड पे। ऐसे देखो आप, ऐसे रोड आपको अपनी सिटी में भी कहाँ मिलते हैं और आपको यहाँ इतनी दूर आके मिल रहे हैं। BRO और इंडियन गवर्नमेंट का थैंक यू कहना चाहिए जिनके वैसे इतने अच्छे रोड यहाँ पर हमें मिले हैं। देखो हर जगह ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये हमारे लिए इजी बना रहे हैं ये रास्ता। अभी 5 किलोमीटर के अंदर हम इतनी ऊपर आ गए कि 27 डिग्री था और 5 डिग्री में देखो कितना हो गया टेम्परेचर, 21 हो गया। ये बाहर सनसेट हो रहा है, व्यू देखो कितना सुंदर है। ये हमें ट्रैफिक जाम में फंसा दिया है, पेड़ों का ट्रैफिक जाम। अब हम पहुंच जाएंगे अपने फर्स्ट पिट स्टॉप पे स्पीति की डेस्टिनेशन की ओर। इतने अच्छे व्यूज आएंगे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह को बोल ही नहीं सकती कि ये बेस्ट है फोटोज के लिए, ये देखने के लिए बेस्ट है। यहाँ हर जगह ही अपने आप में खूबसूरत है। सुमड़ो यहाँ से है 46 और नाको यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया। देखो हम आ गए हैं बादलों में, मतलब पूरा जूम करके दिखाती हूँ, ये हम बादलों में आ गए हैं बिल्कुल। बहुत अमेजिंग व्यू। और नाको यहाँ से 8 किलोमीटर ही रह गया है। अच्छी बात है हम अंधेरा आने से पहले ही पहुँच गए और ऊपर, अभी मुझे लगा था पहाड़ के हम बिल्कुल ऊपर आ गए हैं पर आगे और ऊपर चोटियाँ इससे भी ऊंची आई जा रही है और बिल्कुल बादलों के पास आ गए हैं हम, मतलब जैसे हमने बादलों को बस छू ही लिया है। तो गाइज मैं नाको पहुंच गई हूँ और नाको पहुंचने के बाद मैंने एक बढ़िया सा होटल बुक कर लिया है, मतलब उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट, और इसके लगे हैं 1500 रुपीज़। बहुत खूबसूरत है इनके रूम्स, बहुत ठंडी है, तो मैं आपको एक फटाफट से रूम टूर दे देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ अगर टाइम मिला तो लेक जाऊँगी, अदरवाइज कल करेंगे पूरा नाको एक्सप्लोर। तो अंदर एंटर होते ही सारा वुडन इंटीरियर है और बहुत खूबसूरत रूम। यहाँ बहुत मिनिमल लाइटिंग है और यहाँ ये देखिए कितना सुंदर बेडिंग एरिया, ये टेबल हो गया, LCD एंड चेयर्स दी हुई हैं, वहाँ भी टेबल है, ये स्लीपर्स और वार्डरोब का एरिया, एंड यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिरर दिया हुआ है तो मुझे ठंडी लग रही है फिलहाल। और वॉशरूम एकदम क्लीन, गीजर दिया हुआ है, सारी जो नॉर्मल अमेनिटीज़ होती हैं। जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका बैल्कनी का व्यू, तो व्यू देखो बैल्कनी का। बैल्कनी में आप देख सकते हो कैसे आपको 2 से 3 चेयर्स मिल जाती हैं। और मैं जब यहाँ एंटर हो रही थी ऐसे विलेज के अंदर, मतलब सीढ़ीनुमा खेती की हुई है तो मैं यही ऐसे इसे भी देखना चाहती थी और सामने बर्फ के पहाड़ भी देखना चाहती थी और मुझे दोनों ही मिल गए और व्यू इज इनसेन, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। आप देखो चारों तरफ शांति, और ध्यान से सुनो, आपको मॉनेस्ट्री में जब वहाँ पर प्रेयर होती है उसकी आवाज़ भी आ रही है, ध्यान से सुनिए। तो आई फील वेरी लकी, और सामने ये खूबसूरत सा व्यू बर्फ के पहाड़ों का, तो व्यू एंजॉय करती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। तो ये मैं पीछे शॉप पे थी, मैं तो सिर्फ ग्लव्स लेने आई थी, पर ग्लव्स के साथ साथ किनोरी टोपी और साथ में वो कान ढकने वाला और भी 2-3 चीज़ें ली हैं और फ्लैग लिया है। बट आंटी बहुत स्वीट थे और उन्होंने पूछा कहाँ से आई हो, तो उन्होंने हमने बताया कि आई एम फ्रॉम पंजाब, तो उन्होंने सत श्रीकाल भी किया, मैं वो शूट नहीं कर पाई बट इट्स नाइस। तो आज के व्लॉग में इतना ही, पर आप अगला व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे नाको और साथ ही हम जाएंगे काजा की ओर वाया ग्यू मॉनेस्ट्री। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।